सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में जिसके पास सही राय मंत्री नहीं है, सही राय मंत्री समझ रहे हैं, जो सही राय देते हो उसका जीवन नष्ट है, बेकार है। जीवन में आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए, भले एक हो, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सही राय दे सके। और ये गलत राय की वजह से घर टूट रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं। न मां खराब है, न पति खराब है, न पत्नी खराब है, खराब कोई नहीं है, सिर्फ समझ का अंतर, समझ का अंतर है। समधि इतना सुंदर शब्द है, लेकिन ये सिर्फ नाम का शब्द रह गया है, समधि खत्म ही हो गए। क्यों? उसके पीछे भी एक रीजन है। अब शादियां समधि की तरह नहीं होती, अब पैकेज वाली शादियां होती हैं। अब लड़के का पैसा देखा जाता है, लड़की की सूरत देखी जाती है या पैसा देखा जाता है, इस पे शादियां हो रही हैं। अब लक्षणों पे, गुणों पे कहां हो रही है? तो जब अहंकारों पे शादियां होंगी तो अहंकार कितने दिन टिकेगा, कितने दिन टिकेगा अहंकार? वो भी कह रही है मैं भी कम नहीं हूं, मन ही मन सोच रही है जिस बेड पे बैठ के इतने भाषण दे रहा हूं ना, मेरे बाप ने दिया है। गाड़ी पे घुमाने ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये विंडो वहीं के वहीं ऊपर नीचे होती रहती है ना, ये कार भी मेरे पिताजी। मन ही मन में देखो, तुम मानो नहीं मानो, मन में हाँ, जा ठंडा पानी ले आ, मन में सोचती होगी पिताजी ने ठंडा पानी की जुगाड़ कर दिया, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं थी। तुम भले कुछ भी कह लो, मैं कह रहा हूं मन में चलता होगा ये, तुम मानो या नहीं मानो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम्हारे बीच में इस तरह की बातें रहेंगी तो इस तरह की बातें उठेंगी। प्रेम से रहो। मैं कह रहा हूं घर स्वर्ग हो सकता है, लड़के के ऊपर निर्भर करता है, स्वर्ग बन सकता है। थोड़ी सी अकल चाहिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों को थपकी देते रहो, दो चार साल में समझ जाएंगे, अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, हो जाएगी दोस्ती। और जहां तुमने कहा क्यों माता जी तुमने इसको ऐसा बोला, बस फिर तो क्यों तूने इसको मम्मी को ऐसा बोला, बस हो गया, उसको मौका मिल गया, उसको भी मौका मिल गया, उसको इतना सा छेद चाहिए सामने वाले को, उसमें से सुरंग कैसे बनानी है उसको मालूम है। जिस दिन उसने देख लिया ये अपनी मां के ऊपर हावी हो गया, चिल्ला गया एक बार, बस उस दिन से फिर तो पतंग ऐसे उड़ेगी आसमान में। उसको पता पड़ गया ना कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपने हाथ में है बाजी। पुरुष, और पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, धीमे धीमे जब आप कुटुंब से अलग होते हो और जब तुम अलग परिवार में चले जाते हो, अपने जिंदगी को रहने लगते हो, और जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा नहीं होता तो तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अपराध कहां पैदा हो रहा है? अपराध पैदा हो रहा है वहां जहां घर में बड़े नहीं रह रहे साथ में, वहां अपराध पैदा हो रहा है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, हमें इससे बचना है। इसलिए कुटुंब में रहिए, परिवार में रहिए, लोगों के साथ रहिए और आनंद से रहिए।